हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने कुछ अपराजिता के प्लांट्स की ग्रोथ की केयर कैसे करती हूं मैं, और इसमें इतने ज़्यादा फ्लावरिंग और इतने ज़्यादा बूसी कैसे हो गई है। और आप इसको चाहे तो बॉन्साई जैसा भी बना सकते हैं छोटा, और चाहे तो आप इसको, वैसे तो ये क्लेम्बर क्रीपर्स होते हैं, इनको आप इस तरह से डोरी या फिर रस्सी के सहारे इसको मदद से आप इस तरह से चढ़ा भी सकते हैं, और नहीं तो आप इसे इसकी कटिंग कर करके शॉर्ट में भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको दिखाऊंगी, ये देखिए मेरा कोलियस, ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है, और ये बारिश के बाद तो इसका कलर और निखर कर आया है, क्योंकि धूप के वजह से थोड़ा है शेडी एरिया में रखने के बावजूद भी जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इनके जो कलर है वो फैड से हो जाते हैं, लेकिन अभी जो बारिश के बाद इनका जो कलर आया है वो काफ़ी डार्क कलर में है। आपको दिख रहा होगा कितना बहुत ही खूबसूरत सा कलर लगता है ये कोलियस। अगर आपके गार्डन में अगर आप फ्लावर भी नहीं लगाते हो, अगर ये कोलियस के कलेक्शन भी लगा लोगे तो ये बहुत ही खूबसूरती से आपके गार्डन को बहुत ही प्यारा बना देगा। ये देखिए इनके तो बहुत सारे कलर आते हैं, ग्रीन, मैरून और रेड और सैडेड में बहुत सारे आते हैं, पर मेरे पास अभी तीन चार ही कलेक्शन है। अभी इसका एक ग्रीन सेट का लाई हूँ मैं, पर वो भी काफ़ी छोटा है, तो जब वो उसकी अपडेट में जब वो उसकी साइज़ बिग साइज़ के हो जाएंगे तब मैं आपको दूंगी। तो फिर मैं अपने पॉइंट में आती हूँ, जो अपराजिता के जो प्लांट हैं ये देख सकते हैं ये किस तरह से मैं इनकी केयर करती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा अभी फ्लावरिंग होती है, और बारिश में तो बहुत ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाते हैं, और फ्लावर भी इनके बहुत ही अच्छे बिग साइज़ के आते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से ये ग्रीनरी ऐड कर देता है अगर आप कहीं पे भी इसको आप लगाते हो। तो इसको इस तरह से अगर लगाए हैं तो ये देखिए कितने सुंदर ये खिले हुए हैं। और इसकी जो मिट्टी है, हम गार्डन सोयल की बात जब करेंगे तो वो जिस तरह से हम और पौधों की फ्लावरिंग प्लांट की जो मिट्टी बनाते हैं उसी तरह से इनकी भी मिट्टी बनाती हूँ मैं। हमारा जितना भी प्लांट है सारा एक ही रेशियो में बना हुआ है मिट्टी उनके, क्योंकि मैं कोई अलग से उन सारे प्लांट की अलग अलग नहीं बनाती हूँ मैं। इसमें हमारा है एक भाग मिट्टी और एक भाग कंपोस्ट और रेत होता है, एक भाग रेत होता है। रेत की मात्रा हम 20% रखते हैं और बाकी हम 30-30% रखते हैं, और थोड़ी सी इसमें नीम खली भी डालती हूँ मैं, जिससे कि जो इनमें जो शाइनिंग है वो बहुत ही अच्छे से बरकरार रहे, और बहुत ही अच्छे खूबसूरती से इसमें जो शाइनिंग आती है बहुत ही प्यारा लगता है ये। और इनमें जो कलर अभी आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे कलर आते हैं, वाइट, पिंक, अभी तो बहुत सारे हाइब्रिड से कलर आ रहे हैं, पर जो मेन नेचुरल कलर आते हैं वो ब्लू में आते हैं, वाइट में आते हैं, और इसके भी डबल पैटर्न, सिंगल पैटर्न के भी होते हैं। मेरे पास ये सिंगल पैटर्न का ही है। और अभी इसमें जब हम इनकी इनमें फर्टिलाइज़र क्या देती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। इसमें हम जो रो मिल्क होते हैं, रॉयल मिल्क जो कच्चा दूध होता है, उसको हम 1 लीटर पानी में एक ढक्कन 5 ml के अकॉर्डिंग हम 1 लीटर पानी में मिलाकर, और जितने भी हमारे ये अपराजिता के जो बेल से हैं इन सब में देती हूँ मैं, और स्प्रे भी करती हूँ जिसमें कि इनके जो पत्ते में हैं वो बहुत ही अच्छे से शाइनिंग से आती है। और जो हमारे पास चाय पत्ती का जो खाद जो होता है, जो हम बनाते हैं, वो किचन वेस्ट से ही बनता है, और वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें फर्टिलाइज़र काम आता है। मैं वो भी फर्टिलाइज़र इसमें देती रहती हूँ, हर 15 दिन पे मैं चाय पत्ती की जो खाद बनाती हूँ वो ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ, जिससे कि इनकी जो फ्लावर की संख्या है वो ज़्यादा आएगी, और जो हम इसकी जो पत्तियों की शाइनिंग है और उसके लिए
नीम की खली भी देती हूँ मिट्टी में, जिससे कि फंगस वगैरह ना लगे। और टाइम टाइम पे एक एक चुटकी आप हल्दी का स्प्रे वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे कि अभी बारिश में बहुत ज़्यादा जल्दी कीड़े वगैरह लग जाते हैं। और फिर इस तरह से फ्लावरिंग के लिए हमें कीड़ों से बचाव करने के लिए आप हल्दी का उपयोग भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप फंगिसाइड जो यूज़ करते होंगे। मैं तो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ, वैसे मेरे पास फंगिसाइड अभी तो है नहीं। मैं हल्दी से ही स्प्रे वगैरह करते रहती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे से हमारा इस तरह से हमारा पराजिता का प्लांट बहुत ही खूबसूरती से चलता है। आइए चलते हैं हम, एक जो ड्रॉप वैरायटी का हमने पराजिता यहाँ छत पे लगाई हूँ, वो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। ज़्यादा आपको केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है इनको, आप चाहे तो इनको सिर्फ वाटरिंग भी करेंगे तब भी आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। और फ्लावरिंग तो अभी इन कोई भी प्लांट की सीज़न वाइज ही वो अपने टाइम पे ही फ्लावरिंग होना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, ये हमने सारे बीज एक साथ ही लगाए थी, जो नीचे लगाई थी वो भी, और जो इस टब में लगाई हूँ, ये सॉरी एक वेस्ट बाल्टी में लगाई हूँ जो, तो इसमें यह है कि ये छत पे रहता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा धूप लगती है, तो अगर शेडी एरिया में रखोगे तो ये लेंदी सा होते जाएगा। और थोड़ा सा आप इसको ब्राइटनेस मतलब ज़्यादा सनलाइट में रखोगे तो ये थोड़ा फ्लावरिंग ज़्यादा होगा इसमें, और जो इनकी जो ब्रांचेस है वो कम धीरे धीरे वो निकलती है। तो और आप चाहे तो इसको कटिंग भी कर सकते हैं, तो मैं इसको अभी नहीं कटिंग की हूँ, पर ये मेरा उसी टाइम का है, वो काफ़ी बड़ा है और ये अभी इतने छोटे में है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूरे दिन सनलाइट में रहता है। इसको भी मैं वही खाद वगैरह देती हूँ, उसी तरह से स्प्रे वगैरह भी करती हूँ इसमें भी, पर इसकी जो रखने की जगह है वो उसके वजह से इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होता है। और इसमें ये है कि जो ये जो सूखी जो फूल होते हैं और जो फलियां होते हैं उनको आप ज़रूर हटाते रहें, जिससे कि इसमें और ज़्यादा फ्लावरिंग है। देख सकते हैं एक जगह कितने ज़्यादा ज़्यादा इसमें कलियां और गुच्छे गुच्छे में फ्लावरिंग बन रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये आप पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी सावन में शंकर जी का पूरे पूरे सावन उन्हीं का पूजा होता है, तो आप उनको भी ये चढ़ा सकते हैं। तो ये पौधे तो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, अगर आप थोड़ा सा भक्ति भाव रखते हैं अगर आप तो। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है, और मैं इसको अब धीरे धीरे से अब कटिंग नहीं करूँगी, इस पर इस तरह से बेल इनकी चढ़ाऊँगी ताकि जो ये एरिया है वो पूरा कवर हो जाए और ज़्यादा खूबसूरत सा लगे। और इसी में से हम सुबह जितना भी फ्लावरिंग ले लेते हैं पूजा के लिए, वो इसमें से लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी अपने घर में अपराजिता प्लांट लगाए हैं तो आप भी इसी तरह से केयर कीजिए। कभी कभी हम प्लांट को ज़्यादा केयर करते हैं, उससे भी हमारा प्लांट सरवाइव नहीं करता है, तो इतना ही बस इनकी केयर रहती है, ज़्यादा इसको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर जाएगा आपका प्लांट, और पूरे बरसात आपको ये फ्लावरिंग देगा। और उसके बाद जब इन सर्दियों की मौसम आ जाएगी तब इन ये डोरमेंसी में होते हैं, तब हम इनकी ब्रांचेस को कट करते हैं और इसकी जो तनी है उसे रहने देते हैं ताकि वो काफ़ी अच्छा मोटा हो जाए और फिर से उसमें ब्रांचेस न्यू आ जाए। तो फ्रेंड, आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। बाय।